असलमैलैकम एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लाग आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हुए हैं अलहद मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सो आज का जो व्लाग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिन लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि अब आप जो है वेट लॉस के ऊपर कोई वीडियो बना दें कोई व्लॉग बना दें सो एज़ यू वाइज़ नो कि बहुत सारा जंक फूड खाने के बाद ऑनेस्टली पूरा एक महीना लाइक like, एक महीने से भी ज़्यादा आई थिंक मैंने इतनी अनहेल्दी ईटिंग की जिसके बाद जो है मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था एंड आई फाइनली डिसाइडेड कि मैं जो है एक तीन दिन का जो डाइट है वो फॉलो करके देखती हूँ क्योंकि वैसे तो मैं यूजली ऐसे डाइट प्लान्स फॉलो नहीं करती सो आई फाइनली डिसाइडेड कि मैं अपना वेट चेक करती हूँ सो जब मैंने अपना वेट चेक किया एंड आई वाज शॉक्ड मेरा वेट वैसे मैंने कभी डिस्क्लोज़ नहीं किया बट दिस टाइम क्योंकि मैंने ये पूरा एक तीन दिन का uh, डाइट व्लॉग बनाना था तो ज़रूरी था कि मैं आपके साथ शेयर करूं सो मेरा वेट आया 64 जिसके बाद जो है मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था तो मैंने इंस्टेंटली डिसाइड किया और मैंने काफ़ी रिसर्च की हालांकि ये वाली जो डाइट है दिस इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी डाइट बट स्टिल मैंने उसी दिन सोचा कि मैं तीन दिन के लिए ये ट्राई करूँगी और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट मिलता है सो so, यूजली कहते हैं कि इस डाइट से एक दिन में एक के कम होता है तो मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ सो मेरा तीन दिन में जो है दो के जी कम हुआ सो so, पहली बात कि इस डाइट में आपने बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट नहीं करना दूसरा ये कि आपने जो है बहुत ज़्यादा वाटर इंड अच्छा रखना है तीसरी बात अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है तो आई वुड नॉट रिकमेंड आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो आप ये डाइट फॉलो ना करें लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और आपको सिर्फ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा वेट कम करना है कम दिनों में तो फिर ये बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आपको एक मोटिवेशन मिल जाती है जब आप कुछ के कम कर लेते हैं सो so, खैर okay, पानी पीते साथ ही मैंने थोड़ी सी ट्रेडमिल की सुबह में सबसे पहले पंद्रह मिनट क्योंकि अभी बिल्कुल काफ़ी टाइम बाद मैं जो है वर्कआउट वगैरह स्टार्ट करने लगी हूँ तो इट्स बेटर कि आप वॉक से स्टार्ट करें और वॉक भी कम ही होती है क्योंकि इतना स्टेमिना अभी बिल्ड नहीं हुआ उसके बाद नाश्ते में जो है मैंने एक फ्राई एग लिया सो so, बेसिकली आप जो है बॉयल्ड एग्स भी ले सकते हैं बट ऑप्शनल है मुझसे बॉयल्ड एग्स बहुत ज़्यादा नहीं खाए जाते हैं मतलब दिन में लोग जो है रिकमेंड करते हैं कि आप तीनों टाइम ही बॉयल्ड एग खाएँ बट आप किसी भी फॉर्म में जो है एग ले सकते हैं उसको मैंने ऑलिव ऑयल में थोड़ा सा कुक कर लिया था बहुत थोड़ा ऑयल लिया था और एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लिया था अच्छा मेरा सीन यह है कि मैं सिर्फ जो है अंडे नहीं खा सकती क्योंकि मेरा बी जो है वो लो हो जाता है प्लस मुझसे इतनी लो कैलरी डाइट होती नहीं है बट स्टिल Uh, उसके बाद जो है uh, नाश्ते में मैंने ये खाया अच्छा मैं जो हूं, तीन बजे तकरीबन मैंने नाश्ता किया था फिर थोड़ी देर बाद मैंने चाय पी ली थी अगर आपका भी चाय के बग़ैर गुजारा नहीं है तो आप ज़्यादा पानी और कम दूध और उसके अलावा आपने शुगर बिल्कुल नहीं ऐड करनी सिर्फ़ ये खाने के बाद जो है मैंने जाना था डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई क्योंकि मुझे थोड़े से स्किन कंसर्न थे तो मैंने चेक वगैरह करवाना था अपना चेकअप उसके बाद यहाँ पे जो है ना मेरी हालत इतनी भूख से ख़राब हो गई थी क्योंकि मैंने सिर्फ़ एक अंडा खाया हुआ था और मुझे तकरीबन साढ़े पाँच छः बज गए थे उसके बाद फ़ौर ही घर आते मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरा दिल तो ये कह रहा था कि मैं रोटी सालन खा लूँ या जो भी घर में बना हुआ है बट आई वॉज़ लाइक नहीं मैं जो हूँ अंडा ही खाऊँगी सो ऑप्शन वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा मैं हाई प्रोटीन डाइट बनाती हूँ मील प्रेप प्रॉपर करती हूँ लेकिन अभी क्योंकि मुझे सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा सो so, इसलिए मैंने ये डाइट फॉलो की थी उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने दो अंडे लिए थे एक मुझे अपनी कज़न के लिए बनाना था और एक मेरा था सो so, दूसरे टाइम पे जो मैंने है फ्राई एग के बजाय जो लाल मिर्च और नमक वाला अंडा होता है वो बना लिया था ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए और मैं इस तरह की बंदी हूँ जिसको बिल्कुल जो uh, खा मतलब डाइट फूड भी मुझे होता है कि मज़े का होना चाहिए इसलिए मैं बहुत एफर्ट्स डालती हूँ जब भी मैं डाइट करती हूँ आप लोगों ने देखा ही होगा और जो लोग मेरे चैनल पे नहीं हैं तो आप लोग मेरी पुरानी वेट लॉस की वीडियोस देख सकते हैं वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं हाई प्रोटीन सो so, यहाँ पे जो है मैंने फिर रात में भी जो है एक ब्राउन ब्रेड ले ली थी क्योंकि ऑलमोस्ट सात बजने वाले थे तो ये समझें कि खाना ही हो गया था रात का इसके साथ जो है आप आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप जैम वगैरह लें चाय आप ले सकते हैं लेकिन चाय में आपने बिल्कुल भी शुगर ऐड नहीं करनी है और उसके साथ आप या तो ग्रीन टी ले लें ले, या फिर ब्लैक कॉफ़ी ले लें ले दो टाइम ग्रीन टी मैं इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती ना मुझे पसंद है तो मैंने एक टाइम जो है ब्लैक कॉफ़ी ले ली थी क्योंकि अभी मौसम बहुत गर्मी है तो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या ग्रीन टी भी नहीं लेनी है उसके बाद जो है मैंने कुछ भी नहीं खाया था देन दिस वॉज़ डे टू अच्छा मैंने पहले दिन वेट चेक नहीं किया था क्योंकि मुझे श्योरिटी नहीं थी कि मेरा वेट कम हुआ है या नहीं सो डे टू भी जो है मैंने स्टार्ट किया था एक ग्लास पानी से आप अजवाइन वाला पानी भी ले सकते हैं या कोई वेट लॉस ड्रिंक भी ले सकते हैं बट लाइक ए सैड कि अभी गर्मी बहुत है और मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है दोबारा से रूटीन में आने के लिए सो so, मैंने नॉर्मल पानी लिया अच्छा नेक्स्ट डे क्योंकि एक दिन में ही मेरे अंडे खा के इतनी बस हो चुकी थी कि नेक्स्ट डे मैंने ना हाफ रोटी ले ली थी और कीमा मेरा बहुत फेवरेट है तो थोड़ा सा कीमा ले लिया था तो ये मेरा समझ लें कि लंच और ब्रेकफास्ट हो रहा था सो हाफ रोटी के साथ मैंने कीमा ले लिया था अच्छा अब इसका मकसद ये बताने का कि ज़रूरी नहीं है कि आपने अंडे ही खाने आप अगर जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ लेकर आप चाय कम ले लें पूरे दिन में लेकिन आप हाफ़ रोटी खा रहे हैं तो ऑल्सो इट डिपेंड्स कि आपकी बॉडी टाइप कैसी है हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है और हर किसी का जो वेट लॉस प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है किसी का स्लो होता है किसी का तेज़ होता है मतलब अगर मैं वेट कम करने लगूँ तो अलहमद मेरा वेट जरा जल्दी कम हो जाता है उसके बाद जो है खाना वगैरह खाने के बाद हम बोर भी बहुत हो रहे थे मुझे इंस्टा के लिए एक वीडियो बनानी थी उस वीडियो के लिए मैं थोड़ी सी तैयारी वगैरह रही थी Uh, हल बहुत हल्का सा मेकअप किया उसके बाद यहाँ पे मेरी कज़न जो है वो मेरा हेयर स्टाइल बना रही थी मैंने उसको बोला कि मेरे बाल बना दो क्योंकि गर्मी बहुत है तो बिल्कुल बाल खुले जो है ना बहुत मैसी लगते हैं वीडियोज़ वग़ैरह में तो मैंने अपने बाल वग़ैरह बनाए उसके अच्छा और ये वाली जो डाइट है ना मैं सच बता रही हूँ ये बिल्कुल इजी नहीं है मतलब मुझसे कभी भी एग डाइट प्रॉपरली हुई नहीं है और एग डाइट जो है आप अपनी तरफ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है अगर सब लोग सिर्फ अंडे ही खा रहे हैं आप फ्रूट भी ले सकते हैं आप एप्पल ले सकते हैं आप एक बनाना ले सकते हैं आप इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में ले सकते हैं क्योंकि अगर आप मेरी तरह के हैं और मेरा तो बी बहुत जल्दी लो हो जाता है और ऑनेस्टली रात तक मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती थी सो इसके साथ वर्कआउट तो आपने करना ही नहीं अगर आप वॉक कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली करें उसके बाद मैंने जो है अपनी वीडियो बनाई देन मैंने दो अंडे बॉयल किए रात में मतलब दो टाइम मैं खाना खा रही थी सिर्फ दो टाइम और दोनों टाइम में मोस्टली ये होता था, था कि मैं एग्स ही ले रही थी तो दो बॉयल्ड एग्स लिए जिसके योग जो है वो अनकुक थे थोड़े से लेकिन मैं योग वैसे भी सिर्फ एक अंडे का खाती हूँ और एक का जो है वो मैं नहीं खाती हूँ उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड किया सॉल्ट बिल्कुल ऐड नहीं करना अच्छा इससे ना ये होता है इस वाली डाइट से तीन दिन में ये हो जाता है कि आपकी ब्लोटिंग बहुत कम हो जाती है आपका जो वाटर वेट होता है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जब आप इतना रिलीजियसली जंक फूड खाते हैं तो आप बहुत ब्लोटेड भी हो जाते हैं सो उसके लिए बहुत अच्छी है उसके बाद मैंने एक कप ग्रीन टी बना ली थी उसके साथ और यहाँ पे बस मैंने एक दोनों अंडे खाए और ग्रीन टी पी ली दैट्स इट सो आई होप कि आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा और अगर आप लोग ये डाइट ट्राई करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली ट्राई करें बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए करें मैं भी इसको लॉन्ग टर्म के लिए अब नहीं करूँगी अब इंशाल्लाह मैं हेल्दी पैटर्न और हेल्दी ईटिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाऊँगी जो मैं इंशाल्लाह आपके साथ फ़र्दर शेयर करूंगी सो डू लेट मी नो और बस यहाँ पे ग्रीन टी पी और देन हमने अपना वेट जो है तीसरे दिन भी मैंने सेम पैटर्न फॉलो किया था पर मैंने व्लॉग नहीं बनाया सो तीन दिन बाद ये मेरा वेट था